जी 2023 गणित भौतिक के पेपर में ज्यादा मिलेगा समय। एसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। मई के आखिर में शुरू हो सकती है डीयू में प्रवेश प्रक्रिया। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। स्वागत करता हूं आपका विद्या लाइव के न्यूज बुलेटिन पर। विद्या लाइव आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है, बस आप विद्या लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं हूं कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। सीयूईटी यूजी 2023 गणित भौतिकी के पेपर में ज्यादा मिलेगा समय। विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले की सीयूईटी यूजी 2023 में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, भौतिक, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, रसायन, गणित, अप्लाइड गणित और जनरल टेस्ट के पेपर में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं एनटीए की सीयूईटी यूजी 2023 की नीति के तहत सीयूईटी यूजी 2023 में नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा के दिनों को भी कम किया गया है। एसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कॉमन ग्रेजुएट लेवल परीक्षा यानी एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल परिणाम की घोषणा की है। विभिन्न रिक्तियों के लिए कट ऑफ के साथ अंतरिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध है। एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2022 टीयर 1 और टीयर 2 परीक्षाओं के बाद 36,001 उम्मीदवारों को अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए अंतरिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। मई के आखिर में शुरू हो सकती है डीयू में प्रवेश प्रक्रिया। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए ग्रेजुएशन यूजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए मई के आखिर में प्रोसेस शुरू कर सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए दो अलग अलग पोर्टल लॉन्च करेगा। इसके बाद पूरी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।